हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही स्पेशल नंबर के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसे मैजिकल नंबर भी कहा जाता है और मास्टर ऑफ ऑल एंजल नंबर भी कहा जाता है। तो वो मैजिकल नंबर है 1176। ये एक ऐसा नंबर है जिसके थ्रू आप अपनी कोई भी विश पूरी कर सकते हैं, वेल्थ से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, और स्पेसिफिक कोई सी भी विश। आपको नया घर चाहिए, कार चाहिए, फ़ोन चाहिए, जो भी आपकी इच्छा है आप इससे पूरी कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कैसे ये मैजिकल नंबर काम करता है, ये कैसे वर्क करता है, और इस नंबर को यूज़ करके कैसे विशेस पूरी होती हैं। ऐसे तो इस नंबर को किसी भी तरह यूज़ किया जा सकता है। इसमें मैं बताने जा रही हूँ तीन मेथड। सबसे पहले मेथड के लिए आपको चाहिए एक ब्लैक पेपर, और मैंने यहाँ बहुत से पेन, स्केच पेन लिए हुए हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा क्या है, उस अकॉर्डिंग आप कलर चुन सकते हैं। यू कैन चूज़ द पेन अकॉर्डिंग टू योर विश। आप अपनी विश के अकॉर्डिंग कोई सा भी पेन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेल्थ रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, मनी रिलेटेड, अबंडेंस रिलेटेड कोई विश है आपकी, तो आप ग्रीन कलर का पेन और स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लव रिलेटेड इश्यूज़ हैं, रिलेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो आप स्केच रेड कलर का स्केच पेन और रेड पेन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी इच्छा है या विशेष है, तो उसमें आप ऑरेंज कलर का स्केच पेन और पेन यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास स्केच पेन ही था, इसीलिए मैं आपको स्केच पेन दिखा रही हूँ। तो मैं अभी ग्रीन कलर का पेन यूज़ कर रही हूँ, या फिर आप स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एज एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ कि मैं एक अच्छा जॉब मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तो उसके लिए आप पेपर लेंगे, उसमें लिखेंगे इस 1176, देन आपकी जो भी विश है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब लिख रही हूँ और इसे राउंड कर देंगे, और बहुत ही प्योर इंटेंशन से, जैसे आपकी विश पूरी हो चुकी है उस इंटेंशन से इसे लिखेंगे, और प्योर इंटेंशन से ये नंबर रिपीट करेंगे, दैट इज़ 1176, जिसे आपको मिनिमम 11 टाइम्स बोलना है, लाइक दिस 1176, 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 1176। उसके बाद नीचे में लिखेंगे थैंक यू, आई गॉट द जॉब। जैसे आपकी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, आप इस प्रकार से लिखेंगे। मैं बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ आपको। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। इस प्रकार से थैंक यू, आई गॉट द जॉब। और इस पेपर को आप, मैं पूरी तरह से दिखा देती हूँ एक बार कैसे करना है। आपको सबसे पहले ये नंबर लिखना है 1176, नीचे जॉब, उसके बाद थैंक यू आई गॉट द जॉब। आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है
जैसे आपको जॉब मिल गया है, और इसके बाद इस पेपर को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। और अपनी पिलो के नीचे रख देंगे और इसको तब तक रखेंगे जब तक आपकी विश पूरी ना हो जाए। और इसके साथ ही आप जितनी बार चाहे उतनी बार ये नंबर चैंट कर सकते हैं, दैट इज़ 1176। बिलीव मी गाइस, इट विल वर्क। इसके थ्रू आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगे। बस स्पेसिफिक है कि आप इसे एक एक करके यूज़ करें, एक विश के लिए एट अ टाइम आप यूज़ करें। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखाया है कि जॉब के लिए आपको जॉब चाहिए, तो उसके लिए आप जॉब लिख के और इसे इस तरीक़ा से यूज़ करके आप अपने पिलो के नीचे रख दीजिए और जब तक रखिए जब तक ये विश पूरी ना हो जाए। विश पूरी हो जाए उसके बाद इस पेपर को आप या तो किसी पेड़ में डाल दें या एक गिलास पानी में डाल के इसे मेल्ट करके उसके बाद वो पानी में डाल दें, या फिर किसी भी अच्छे जगह पे इसे डिस्पोज कर दें। थैंक यू। इस प्रोसेस को आप दूसरी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए भी आपको सेम चीज़ चाहिए, ग्रीन, रेड और ऑरेंज पेन। ये डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। जैसे मैंने बताया, जॉब के लिए अबंडेंस के लिए या फिर प्रॉस्पेरिटी के लिए ग्रीन कलर, लव के लिए, मैरिज के लिए रेड, और इसके अलावा कोई भी आपकी इच्छा है तो आप ये ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं सेकंड एग्जांपल दिखाती हूँ। उसमें आप अपने लेफ्ट हैंड पे इस तरह से लिखेंगे 1176 और इसे इस तरीके से राउंड कर देंगे और सेम प्रोसेस आप चैंट करेंगे। आप 1176 आप इंटेंशन क्लियर कर लीजिए, आपको क्या चाहिए उस विश को मन में रखिए और इस नंबर को देखिए और चैंट कीजिए कि ये विश मेरी पूरी हो जाए। मैंने रेड कलर यूज़ किया है और रेड कलर आप जानते हैं लव और मैरिज का कलर है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को चाहते हैं या फिर लव के लिए, आप 1176 यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप मैरिज के लिए चाहते हैं कि इस टाइप का पर्सन से आपकी शादी हो, उसके लिए आप ये नंबर यूज़ कर सकते हैं। अपनी विश बोल सकते हैं, मन में सोच सकते हैं, उसके बाद ये नंबर चैंट कर सकते हैं। जैसे आपने मन में इंटेंशन कर लिया, मैनिफेस्ट कर लिया कि आपको इस टाइप के पर्सन से शादी करना है, वो कुछ भी हो सकता है, या वो गवर्नमेंट जॉब का बंदा हो, या वो IAS हो, IPS हो, या फिर बिजनेसमैन हो, जो भी आपकी विश है वो मैनिफेस्ट कर लीजिए। या स्पेसिफिक पर्सन जिससे आप प्यार करते हैं वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, या फिर उससे आपकी शादी हो जाए, वो सोच लीजिए। मैं आपको कुछ टाइम दे रही हूँ, 2-3 सेकंड आप आराम से लीजिए, 5 सेकंड और सोच लीजिए। सोचने के बाद ये नंबर उसी तरीक़ा से चैंट करिए, 1176 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
वैसे ये विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। थैंक यू आई गॉट माई स्पेसिफिक पर्सन, थैंक यू आई गॉट माई स्पेसिफिक पर्सन। तो गाइस, मैं अब आपको बताने जा रही हूँ तीसरा मेथड, जिसमें मैं ऑरेंज स्केच पेन वाइट पेपर यूज़ करने जा रही हूँ। या तो आप डायरी ले सकते हैं, कोई सा कॉपी ले सकते हैं, या वाइट पेपर ले सकते हैं, जो भी आपकी
इच्छा हो आप वो ले सकते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑरेंज आप बाकी सारे प्रोसेस के लिए ले सकते हैं, एक्सेप्ट लव एंड अबंडेंस मनी के लिए ग्रीन और लव के लिए रेड, तो मैं ये सक्सेस के लिए ले रही हूँ। तो जो भी आपका इंटेंशन है वो आप पहले सोच लें, मैनिफेस्ट कर लें, बहुत क्लियरली सोच लें कि आपको स्पेसिफिक यही चाहिए, किस चीज़ में सक्सेस चाहिए वो आप सोच लीजिए। जैसे सोच रही हूँ, एग्जांपल ले रही हूँ कि मुझे एक कार चाहिए, ब्रांड न्यू कार चाहिए, उसके लिए मैं ये एंजल नंबर यूज़ करूँगी जो कि मैजिकल एंजल नंबर है, द मास्टर ऑफ मैजिकल एंजल नंबर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप ये पेन स्केच पेन लेंगे या पेन ऑरेंज कलर का, इसमें सेम प्रोसेस है, 1 1 7 6 इस टाइप से लिखेंगे। उसके साथ या तो आप क्लीन लिख सकते हैं या हरी कृष्णा। मैं एक बार आपको पूरी तरह से दिखा दूं, इस तरह से आप कोई एक ही लिखें, मैंने दोनों आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया है, 1 1 7 6 क्लीन या हरे कृष्णा। अब इस नंबर को 1 1 7 6 आपने सोच लिया, ये हेडिंग दे दिया, इस नंबर को आप 108 टाइम्स, मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा देती हूँ, 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 1 1 7 6 इस तरीके से आप 108 टाइम्स लिखेंगे। मैंने 11 टाइम लिखा है, आपको 108 टाइम लिखना है। आप उसके लिए डायरी कॉपी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पे एक वाइट पेपर लिया है, इसमें आप 108 टाइम लिखेंगे। और आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया मैं एक कार मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं वो इंटेंशन रख के ये लिख रही हूँ, और आपको इस प्रकार से लिखना है। और जब आपका 108 टाइम पूरा हो जाए उसके बाद सेम आपको इस तरीके से लिख देना है, थैंक यू आई गॉट न्यू कार, और सक्सेस के लिए किया हो, जैसे एग्ज़ाम में सक्सेस, जॉब में सक्सेस, या फिर किसी चीज़ में, किसी प्रोजेक्ट में सक्सेस, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस, तो आप न्यू कार की जगह सक्सेस लिख देंगे इस तरीके से, और ग्रेटिट्यूड शो करेंगे इस तरीके से, थैंक यू आई गॉट द न्यू कार, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मैजिकल नंबर 1 1 7 6, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बिलीव मी गाइस, इट विल वर्क। इस तरीके से आपकी सारी विशेस पूरी होगी, और मैं भी यूनिवर्स से प्रे करूँगी कि आप सारी विशेस पूरी हो जाएं, जो भी आप चाहें आप एक एक करके इस नंबर के थ्रू पूरी कर सकते हैं। और ये आप जब तक लिखें, जब तक आपकी विश पूरी ना हो जाए, आज शुरू किया है आप डेली एक टाइम फिक्स कर लें, सुबह शाम या जब भी आप फ्री हो उस समय आप ये लिखें 108 टाइम्स, जब तक ये पूरी ना हो जाए।
और ये लास्ट में ज़रूर लिखें थैंक यू आई गॉड, जैसे आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, सक्सेस मिल चुकी है या न्यू कार मिल चुकी है। ठीक है, तो मैं एक बार दिखा दूँ लाइक दिस, थैंक यू आई गॉट अ न्यू कार और सक्सेस। तो जैसे मैंने आपको दिखाया तीन मेथड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो जैसे मैंने एक ये मैंने लास्ट में लिखा ऑरेंज कलर का पेन, जिसको सक्सेस या कार जो भी आपकी इच्छा है उसके लिए, सक्सेस के लिए, अदर देन सक्सेस के लिए और कार जो भी आपकी इच्छा है। एक प्रोसेस मैंने किया ब्लैक पेपर ग्रीन पेन फॉर जॉब अबंडेंस, एक मैंने लिया लेफ्ट हैंड में लिखा रेड पेन के साथ। आप चाहें जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये तीनों ही वर्क करता है, पर मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए आपको तीनों ही प्रोसेस दिखा दिए। तो आप जिस तरीक़े से चाहे इस मैजिकल नंबर को यूज़ कर सकते हैं और आपकी विशेस पूरी होंगी। एक बार ट्राई करें और अगर आपकी विश पूरी हो जाती है तो प्लीज़ आके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ इस नंबर के यूज़ से मेरी ये विश पूरी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी। और इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।